आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखा गया निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस निबंध की शुरुआत एक चिंता से होती है। यहाँ पर एक परिस्थिति है, मान लीजिए कि ये उनका घर है जो दृश्य इसके अंदर आता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर एक लेखक की पत्नी रहती है, ठीक है, और ये लेखक है। उनके घर घर का ये दरवाजा है, बाहर इस तरफ मान लीजिए यहाँ पर फाटक है, एक फाटक लिख देता हूँ मैं, या ऐसे कुछ बना लीजिए ट्रेन का फाटक टाइप का, है ना। और ये सड़क है उनके घर के पास की, और यहाँ पर एक कुर्सी लगी हुई है, ठीक ठाक तो बनी गया है। हाँ सही है। देखो अब क्या है कि लेखक जब इस निबंध की शुरुआत कर रहे हैं तो इनके घर में दो मेहमान और हैं। एक तो है चिरंजीव, यहाँ बना देता हूँ मैं चिरंजीव को, और एक इनकी मेहमान की रिश्तेदार की कोई लड़की है कृष्णा। तो ये चिरंजीव और ये कृष्णा, ये फीमेल है, ये मेल है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा निबंध। तो मैंने पहला दृश्य यहाँ पर बना दिया है। तो बात ऐसी है कि लेखक जो है यहाँ पर है अपनी पत्नी के साथ, ये दोनों, इन दोनों को जाना है कहीं बाहर, कहाँ पर, संगीत के कार्यक्रम में बाहर घूमने के लिए जाना है। इसके लिए वो इजाज़त लेते हैं अपने पिता से। तो वो पहले तो मना कर रहे होते, चिंतित हो रहे होते कि रात का टाइम है तुम लोग बाहर मत जाओ, पर बच्चे कहते हैं कि संगीत का मज़ा जो है रात में ही है, और कैसे ना कैसे करके मना लेते हैं और चले जाते हैं। दोनों के दोनों कहाँ पर, संगीत के कार्यक्रम में पहुँच जाते हैं। और इन दोनों के संगीत के कार्यक्रम में निकल जाने के बाद, अब ये चले गए हैं संगीत में, ठीक है, अब इन्हें भूल जाओ। अब यहाँ पर लेखक जो है और इसकी पत्नी, इन दोनों का कर रहे हैं घर पे इंतज़ार, और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, रात के 12 से भी ज़्यादा बज चुके हैं और वो अभी तक नहीं आए वापस। तो ऐसे में क्या है, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है उनके लिए, और फिर उनको सुनाने लगती है कि तुमने उनको इतनी रात को क्यों भेजा, वैसे ही मामला इतना खराब है और साथ में एक लड़की भी है। तो चिंता होने लगती है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, संगीत का कार्यक्रम है, संगीत में क्या है मन ज़्यादा रम गया होगा तो इसलिए फिर उठने का मन भी नहीं करता है, तो हो गए होंगे बच्चे लेट, अभी आते होंगे। ऐसा बोल करके वो क्या है अपनी पत्नी को कह देता है कि तुम जा करके सो जाओ, मैं उनका इंतज़ार करता हूँ। तो ये चली जाती है सोने के लिए, तो इसे भी गायब कर दो। अब बचे हैं केवल लेखक, और लेखक एक कुर्सी लगा लेते हैं घर के बाहर ही, और वहीं पर ही बैठ जाते हैं, और वहीं पर ही बैठ करके चीज़ें सोचने लगते हैं। और वो ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार मुझे इतनी चिंता हो क्यों रही है। वो बच्चे कोई ज़्यादा छोटे बच्चे भी नहीं है, जवान है, और ऊपर से पढ़े लिखे हैं, और बाहर का जो माहौल है कोई इतना ज़्यादा वैसा भी नहीं है कि वो चिंता करे कि उनको कुछ हो जाएगा। पर इस सब के बावजूद भी वो देखते हैं अपने मन में कि मेरे को चिंता जो है आखिरकार हो रही है। वो बीच बीच में इस कुर्सी से उठ करके इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं, फाटक की ओर देखते हैं कि कोई आ तो नहीं रहा, उन्हें कोई नहीं दिखता। ये जो सड़क यहाँ पर खाली पड़ी है, जब वो बाहर आते हैं यहाँ पर देखने के लिए तो देखते हैं कि कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं आ रही, क्या पता वो लोग आ रहे हो। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि कोई नहीं आ रहा, पूरा सब कुछ सुनसान पड़ा है। तो इसकी जो चिंता है और बढ़ने लगती है। इसके बाद लेखक वापस अंदर चले जाते हैं और कुर्सी पे बैठ जाते हैं, और कुर्सी पे बैठे बैठे वो कल्पना करने लगते हैं रामलीलाओं की। वो सोचने लगते हैं कि किस तरीके से राम को वनवास मिला था। जैसे रातों रात सबके मन में ये था कि राम जो है कल राजा बनेंगे, उनके उसके उत्सव के लिए सब खुशी खुशी थे, और कैसे ही अगले क्षण पता लगता है कि उनको वहां से निकाल दिया जाएगा, निर्वासित कर दिया जाएगा, और जो पूरा माहौल था खुशी का एकदम दुख में बदल जाता है। और राम का जो वो निकास होता है, वहाँ से उनको निकालते हैं, उसके बाद जो महल में बाकी जो लोग बच गए हैं, राम राम का इंतज़ार करते हैं कि राम बाहर जा रहे हैं वन में, उनके पास कोई सुविधा भी नहीं होगी, बाहर उन्हें कितने ज़्यादा कष्ट मिलेंगे, मतलब तरह तरह की दिक्कतें उन्हें वनों में सामना करना पड़ेगा। और जो घर में महल में सब सोच रहे हैं कि राम ये सब कैसे करेंगे, और जब तक राम लौट करके नहीं आते वापसी, उनके मन में भी क्या है ये चिंता बनी रहती है कि राम कैसे बाहर रह रहे होंगे। और बारिश का मौसम, लेखक जब ये सोच रहे होते हैं तो बाहर बारिश का मौसम हो जाता है, तो वो भी यही सोचने लगते हैं कि
जब राम को बाहर निकाला गया होगा, बारिश आई होगी, तो वो कैसे रह रहे होंगे, किस तरीके से उन्हें संकट का सामना करना पड़ा होगा, किस और गए होंगे, तो तरह तरह की वो चिंता जो है राम के वनवास से इसका संबंध बिठा करके देखते रहते हैं। जिस तरीके से राम बाहर गए थे और वापस आने का इंतजार कर रहे थे महल वाले, ठीक उसी तरीके से इसके जो बच्चे बाहर गए थे लेखक के, ये जब तक घर नहीं आ जाते तो उनकी चिंता में लगे रहते हैं कि बाहर उन्हें कैसे कैसे संकटों का सामना करना पड़ रहा होगा, इत्यादि तरह तरह की चीज़ें, तो उसी को वो राम से कनेक्ट करके देखते हैं। और इसी का एक और दूसरा पार्ट आता है, वो क्या है कि राम जब वापस आ जाते हैं और सीता को वापस वनवास दोबारा भेज देते हैं लक्ष्मण के द्वारा, तो उस समय को भी ये वर्णित करते हैं कि राम तो क्या है महल में अब वापस आ गए हैं, ठीक है राजा बन गए हैं वापसी, पर सीता क्या है अभी भी वनवास में है। तो राम अब महल में होने के बावजूद भी सीता की चिंता में कि वो वहाँ कैसे रहती होगी, कैसे उसका रहना हो पा रहा होगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी एक चिंता का माहौल दिखाया गया, जैसे ये यहाँ पर बैठ करके चिंता कर रहे थे अपने बच्चों की। तो ऐसे में जो राम का जो मुकुट था पहन रखा था उन्होंने, इसमें बताया गया है कि जो राम का जो मुकुट है, सच में कोई मुकुट नहीं है सर पे, पर लेकिन एक कल्पना है जो कि मुकुट लगा रखा है, और ये जो मुकुट है चिंता के मारे बहुत ज़्यादा भारी होता जा रहा है, और उसमें जो रत्न जड़े पड़े हैं वो भी क्या है कष्टदायी हो चुके हैं अब। और कष्टदायी की वजह क्या है, वो वजह है सीता का उनसे दूर चले जाना, उसकी चिंता में व्यतीत होना। ये जो कल्पना इन्होंने करी राम की, वो सेम कल्पना क्या है ये अपने लिए यहाँ पर कर रहे थे, अपने इन बच्चों के जो वो बाहर घूमने के लिए गए हैं। इसी निबंध के अंदर थोड़ी बहुत फिलॉसफी विद्यानिवास मिश्र जो है इसके अंदर यूज़ करते हैं, सुख और दुख वाला, वो यहाँ पर दो बताते हैं सुख। विद्यानिवास मिश्र यहाँ पर बताते हैं कि जैसे कि नॉर्मली लोग क्या होता है कि नॉर्मली जो उसके घर में बाकी सारे लोग थे वो सब मंगलमय सोचते हैं, अगर कुछ बुरा कह दे विद्यानिवास मिश्र, जो कि अक्सर होता है कि अगर हम कोई अगर हमें किसी घटना से सुखद का अनुभव हो रहा है तो हमें दुख का भी अनुभव जाहिर सी बात है होगा, तो पर बाकी लोग जो उनके घर में थे वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे, वो सोचते थे कि हमें जो केवल है ना सुख की ही बातें सुननी है, दुख की नहीं। तो विद्यानिवास मिश्र कहते थे कि अगर मैं इनसे कुछ कहूँगा तो ये मुझे निराशावादी समझेंगे, जबकि मैं जो हूँ व्यक्ति मुझे दोनों चीज़ें दिखती हैं, मुझे दिखता है कि अगर ऐश्वर्य यहाँ पर है, सुख यहाँ पर है, तो उसके साथ साथ दुख भी जो है उसके पीछे से झांक रहा है और वो हमारे जीवन में आएगा ही, तो वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते हैं, और शायद इसीलिए वो सुख के जो क्षण होता है उसके अंदर भी वो दुख अनुभव करते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं और चिंतित रहते हैं। तो ये छोटी सी फिलॉसफी अपनी वो यहाँ पर इस निबंध के अंदर बताते हैं। इतना सब हो जाने के बाद अब वो दोनों क्या है अचानक से आते हैं, जब विद्यानिवास मिश्र राम की कहानी ये सोच रहे होते हैं मन में, तभी वो दोनों दस्तक देते हैं और चुपके से आते हैं, और विद्यानिवास ये सब देख करके काफ़ी ज़्यादा उनका जो मन है प्रसन्न हो जाता है, और बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सब भूल जाते हैं, बच्चे कुछ खाना वाना नहीं खाते हैं और चुपचाप से जा करके सो जाते हैं। तो ओवरऑल एक सारांश अगर मैं आप लोगों को दूं तो यही है कि वो जो बच्चे बाहर जाते हैं उससे उत्पन्न इनके मन की जो चिंताएं थी, जो भावनाएं इनके मन में जागृत हुई, उन सभी को राम की कथा के साथ जोड़ करके वो चिंता इन्होंने बताई, और वो चिंता कैसे, चिंता करने वाली बात ना होते हुए भी चिंता कैसे एक उन्हें होने लग जाती है। तो ये था कुल मिलाकर के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, जब तक आप लोग जाइए एक बार खुद से ये निबंध पढ़िए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।